कभी पप्पा मोरिया। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आपकी किट्टू एक और नया व्लॉग लेकर आ गई है और आज आप लोग गेस करिए मैं कहाँ जा रही हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं एक रिपोर्टर हूँ और मैं बहुत सारे सेलिब्रिटीज से मिलती रहती हूँ, तो आज मैं जा रही हूँ स्टार प्लस के पॉपुलर शो अनुपमा के सेट पर। देखिए, मैं अनुपमा के सेट पर पहुँच गई हूँ और आज यहाँ पर गणपति विसर्जन है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि शो का इस बार का जो थीम है वो एनिमल्स से रिलेटेड है और बाहर एंट्रेंस पे ही गणपति बप्पा की एक बड़ी सी मूर्ति है और इसी के साथ साथ पोस्टर में बहुत सारे एनिमल्स भी हमें नज़र आ रहे हैं। और ये है अनुपमा का सेट जहाँ पे शूटिंग होती है। ये हैं शो के प्रोड्यूसर राजन शाही सर। वेल, आप देख सकते हैं कि गणपति बप्पा को लाया गया है और आप सभी के प्यारे गौरव खन्ना यानी कि अनुज कपाड़िया जो है नज़र आए हैं। गणपति बप्पा के विसर्जन के समय हम जो है अनुपमा के सेट का पूरा राउंड लगा रहे थे। कुछ इस तरीके का अनुपमा का सेट दिखता है जब हम शो में इस सेट को देखते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे इंटीरियर चीज़ें जो हैं इसमें चेंज कर दी गई है। पहले जो है शो का जो सेट था वो अलग तरीके का था और दूसरी जगह पे हुआ करता था, लेकिन इस बार जो है सेट काफ़ी अलग है। आप देख सकते हैं कि गणपति बप्पा को सेट के पूरे राउंड घुमाकर ले जाया जा रहा है विसर्जन करने के लिए। लेकिन मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ कि ये आशा भवन और अनु की रसोई जो कि शो में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, जहाँ से अनुपमा और वनराज के बीच में लड़ाइयाँ होती थी, यही वो घर है जहाँ पे ये दोनों आपस में लड़ते थे। हालाँकि अब वनराज शो में नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि इसी घर में वनराज और बाकी सदस्य रहते थे। और इस आशा भवन में हम अनुपमा के साथ साथ बाबूजी और भी सभी लोगों को देखते थे। वेल, मैं आपको बता दूं कि अनुपमा के दो सेट है, ये दूसरा सेट है जहाँ पे शूटिंग स्टार्ट हुई थी अनुपमा शो की। यहीं से अनुपमा शो की जर्नी शुरू हुई थी। हालांकि अब यहाँ पे शूटिंग नहीं होती है, शूटिंग जो मैंने आपको पहले वाला सेट दिखाया था वहाँ पर की जाती है। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पर अनुपमा का पूरा परिवार यानी कि पूरी टीम मौजूद है और रूपाली जो है इमोशनल हो गई थी गणपति बप्पा के विदाई के बाद, तभी शो के प्रोड्यूसर उन्हें समझाते हुए नजर आ रहे थे। गणपति बप्पा, आप सभी को गणपति बप्पा का, आप सभी पर गणपति बप्पा का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। गणपति बप्पा मोरिया। गणपति विसर्जन के बाद हम सभी के लिए नाश्ता था यहाँ पे अवेलेबल, जो कि छोले भटूरे था और बहुत ही टेस्टी छोले भटूरे यहाँ पे बनाए थे। वेल दोस्तों, आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और कौन से सीरियल के सेट आप देखना चाहते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।